अगर वो महबूबे हकीकी मेरे कलम को दावत खिदमत दे तो वो कलम अपने सर के बल चलेगा। उसके लिए रास्ता कितना दूर क्यों ना हो, वो हरगिज न थकेगा। फिरदौस के गुलाब का एक पौधा लाकर मेरे दिल में बो दिया है। मैं मोहब्बत के आंसुओं से हर रोज इसकी आबियारी करता हूँ और अब वो खिल जाएगा। उशाक क़यामत के लिए बहुत इंतजार कर रहे हैं। मेरे फरिश्ते इश्क को बुला लो ताकि वो सूरे क़यामत बजाए। अकल से मशवरा लेने की सूरत में जब भी हो कोई उम्दा काम बन जाएगा। नफ्स से मशवरा लेने के नतीजे में तुम्हें मालूम है कि वो बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हो जाएगा। ऐ शमए महफिल, तुम चलने वाला सरो हो इसलिए दिलों में चलते हो। दुनिया के बाग का कोई सरो कैसे चलेगा। बागों चमन रो रहे हैं क्यों, इसलिए कि सूरज इस वक्त दूर है। जब तक सूरज हमारे वास्ते ऊपर यानी शिमाल की तरफ करीब न आए तब तक फूल नहीं खिलेंगे। तुम्हारे इश्क की गुलामी हमारी रूह के लिए दायमी बादशाही का दर्जा रखती है, लिहाजा हम दुनिया व आखिरत में तुम्हारी मोहब्बत की इताअत करेंगे।
कहते हो कि जुल्म की ये अंधेरी रात दिल पर बारी गिरा है, ऐसी मुसरतंगे सुबह का तुलू कहाँ होता है जिससे पहले शब तारीख ना हो। महबूबे जान के इश्क का दायमी बीमार हूँ, वो कभी मेरी इयादत के लिए नहीं आए। खुशियों के शहजादे को मुझ ऐसे गरीब की क्या खबर हो सकती है। वो यानी माशूक नूरानियत का सूरज है और आशिक का दिल नूरानी आफ्ताब का सूरजमुखी है। मेरा दिल जो गुले आफ्ताब का गुंचा है, अगर उनकी मोहब्बत में खिल गया तो नूरानी सूरज की तरफ मुतवज्जह होता रहेगा। अगर मैं अपने दिल का शीशा उसके हाथ में दे दूं तो वो उसे फेंक कर तोड़ देगा, और अगर मैं उसके लिए अपनी जान निकाल दूं तो वो किसी तरीके के बगैर ले लेगा। ये अजीब बात है कि अहले मोहब्बत अपनी हस्ती में बहिश्त के लिए खेती बाड़ी है, बस हमारी रूहानी खेती बाड़ी उसके इश्क की बारिश के तहत सरसब्ज आबाद हो जाएगी। ए वो शख्स जो उसके इश्क में शहीद हो जाने वाला है, तुझको ये शहादत मुबारक हो, क्योंकि हकीकत हाल ये है कि जब वो जानान ईसा बनकर आए और कुम बिइज़्निल्लाह यानी खुदा के हुक्म से उठ जिंदा हो जा कहे, ये शहीद जिंदा हो जाएगा। के बावजूद कि वो मुझे मोहब्बत के खंजर से मारता है, मैं कोई गिला नहीं करता हूँ, लेकिन जब मुझसे जरा सी बात की गलती हो गई तो बस उसी को दोहराता रहेगा। इंसान में ही डिमे वट
इंसानी जिस्म के छिलके में अजीब तरह का अपनी मग़्ज़ है। जब रूह के अखरोट की पुख्तगी का वक्त आता है तो उसके छिलके जगह जगह से चिर जाएंगे। कबल भेदों का खजाना कायनात के पसे पर्दा पोशीदा था, अब चूंकि कयामत का दौर शुरू हो चुका है इसलिए हमारा रब भेदों को जाहिर करने के लिए आसमान को छीलेगा। ये आलम ख्वाब की बात है कि मैं खुद को लश्कर कुफार के दरमियान पाता हूँ और दिल में ये बात आती है कि मेरे हैदर कर्रार खुद ब खुद आकर इन सब को तीगो ज़ुल्फ़िकार से काट काट के रखेंगे।